नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कृषि उपज मंडी में। कृषि उपज मंडी में आने वाली सरसों की बात करने के लिए आज हम मंडी में पहुंचे हैं। यहां हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है मंडी के व्यापारी अनिल कुमार जी। उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से यहां पर सरसों आ रही है, कहां से सरसों आ रही है, कितने कट्टे प्रतिदिन मंडी में आ रहे हैं, क्या भाव है। आइए हम जानते हैं अनिल कुमार जी से। सर बताइए, कितने कट्टे मंडी में आ रहे हैं, कल क्या भाव थे, आज क्या भाव है, बताइए। सरसों की करीबन 11 से 15,000 के बीच में कट्टे आ रहे हैं और कल भी इतने के आसपास ही सरसों आ रही थी। बाकी सरसों के भाव नीचे में 46-47 रुपए मोक्षर के माल का, और सूखी सरसों 5100 से 5200 के बीच में बिक रही है। कहाँ कहाँ से सरसों आ रही है मंडी में? ये अलवर के आसपास, जैसे अपने माला खेड़ा बेल्ट आ गया, इधर चिकानी आ गया, बहादुरपुर आ गया, गोविंदगढ़ साइड आ गया, बड़ौदा में आसपास के अपने किसानों का ही माल आ रहा है। तो कितना माल प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं किसान? कोई 10 मन भी लेकर आ रहा है किसान के, कोई 50 मन भी लेकर आ रहा है, 100 मन भी लेकर आ रहा है। तो करीबन 10 से 11 हजार से लेकर 15 हजार के बीच में कट्टे आ रहे हैं। तो किसानों को भाव इस बार अच्छा मिल रहा है क्या सरसों को लेकर? हाँ, किसानों को इस बार तो भाव अच्छा है, पिछले साल से तो अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ की जो सरसों है वो बाहर कहाँ कौन कौन सी मिलों पर जाती है? यहाँ की सरसों ज्यादातर तो अपने अलवर MIA में ही जाती है, फिर भी उसके अलावा भरतपुर भी जा रही है, कुछ और भी UP भी जा रही है अभी, बाकी मेन तो अलवर ही है मेन। तो कैसी क्वालिटी की सरसों आपकी बार मंडी में आई है? इस पिछले साल से अच्छी क्वालिटी है, किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं और लगा के 40 से लेकर 43 तक का तेल आ रही है मंडी के अंदर। तो अब ये जो अभी अब की बार कुछ नमी भी देखी जा रही है सरसों में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो क्या है कि किसान सीधा क्या मौसम को देखते हुए, क्योंकि मौसम कभी बदल हो जाते हैं तो किसान को यही डर रहता है कि मेरा माल खराब नहीं हो जाए। तो क्या है कि जैसे नमी की सरसों काटकर सीधा मार्केट में लेके आ जाते हैं, तो भी इनको भी नमी में भी इतना ही फायदा है जितना सुखाने में फायदा है। तो जैसे सरसों अगर नमी आ जाती है, उसके बाद में मंडी में सुखाई जा रही है सरसों को? हाँ, मंडी में भी सुखाई जा रही है, फैक्ट्री के अंदर भी मिल वाले अपनी सुखा रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी का तेल जो है वो मिल रहा है मतलब? हाँ, अगर 7-7.5 का तो प्लांट में चल जाता है, और करीबन 10 से ऊपर की जितने भी मोक्चर है बिना सुखाए मिल में नहीं चल पाती। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ में व्यापारी अनिल कुमार जी थे। उन्होंने पूरा मंडी का भाव और पूरे कट्टे की आवक जो है, कितनी कट्टे की आवक हो रही है, उन्होंने हमको बताया। अब हमारे साथ में यहाँ किसान भाई हैं जो मंडी में सरसों लेकर आए हैं। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह वो मंडी में सरसों लेकर आए हैं, क्या है। सर, क्या नाम है आपका? आसु नाम मेरा। कहाँ से आए हैं आप? भुल्ला कवास गांव। कितनी सरसों लेकर आए हैं आप? 50 मन के अंदाज। क्या भाव मिले हैं आपको? वो बिके 5,000। अब की बार जो नमी देखी जा रही है, क्या कारण है नमी का? ये मौसम की वजह से है, बादल हो जाते हैं, इससे नमी, मौसम साफ रहे तो नमी खत्म हो जाती है। कैसा दाना हुआ है, मोटा है या कैसा है? नहीं, पाइनर सरसों बहुत है, अच्छी क्वालिटी की, सब अच्छा, सबसे ज्यादा तेल है पाइनर सरसों। कितने बीघा में आपने सरसों का उत्पादन किया? 25 बीघा। क्या लागत बैठी थी आपकी? लागत का तो इतना अनुमान नहीं है, लेकिन सरसों 15-16 मन का बीघा की निकल रही है, बढ़िया, किसान संतुष्ट है भाव से भी और माल से। जी, हमारे साथ में ये किसान भाई थे, उनका कहना यह है कि जो मंडी में सरसों हम यहाँ लेकर आए हैं, काफी अच्छी मंडी में सरसों की जो आवक है वो भी अच्छी हो रही है और उनको यहाँ पर अच्छा भाव मिल रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।